वेलकम फ्रेंड्स, जीरो लेवल की गणित के चौथे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका है डेमो क्लास, ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। सामने कुछ इंग्लिश में लिखा होगा जिसको देखकर डरना नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो आपको केवल चीज़ों को समझना है। जैसे आप कॉमर्स का स्टूडेंट बोलेंगे तो हर कोई समझ जाएगा, लेकिन वाणिज्य नहीं समझेंगे क्योंकि उसकी हिंदी वाणिज्य होती है। आप उसको इंग्लिश में समझते हो, इंग्लिश में बोलते हो, है ना। वैसे आप प्रॉपर्टी डीलर देखिए, है ना, इंग्लिश में ही होता है ना। इंस्टीट्यूट देखिए, उन्हें कोई संस्थान नहीं बोलता, बोलते हैं हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो मतलब आप उसका मतलब समझते हैं। वैसे आप फ्रैक्शन का मतलब इंग्लिश में समझ जाएंगे तब भी कभी नहीं बोलेंगे, हिंदी में भी बताएंगे, पूरा देखना। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट एक्सप्रेसेज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन एक ऐसी संख्या होती है जो किसी ग्रुप के एक भाग को प्रदर्शित करता है। परिभाषा पढ़ने से अच्छा है आपको कॉन्सेप्ट बता दें। जैसे चार भाग है, ठीक है, ये खाना जिसके चार पार्ट हैं, या मान लेते हैं ये क्या है, एक कमरा है, चार कमरे हैं। तो चार कमरे हैं तो उसमें से अगर एक कमरा निकालेंगे तो ये टोटल चारों कमरे का कितना है, 1/4 है। मतलब समझ गए ना, कितना है, 1/4 है, यानी कि चार कमरों का टोटल स्पेस है तो एक कमरा का जो स्पेस है वो क्या है, टोटल स्पेस का 1/4 है। समझ गए। अगर दो कमरे का ले लिया जाए, इसका दोनों का निकालिए कितना जगह लिया है, तो ये टोटल का क्या लिया है, 1/2 लिया है। मतलब समझ रहे ना, 1/2 कैसे आता है, मतलब समझना। जैसे इसको 1/4 किया ना, वैसे आप इसको क्या करोगे, 2/4 करोगे। क्या करोगे, 2/4। अब तो कोई अंतर नहीं है ना, इसको एक कमरे का निकाला तो 1/4, चार क्यों लिखा, क्योंकि टोटल चार था। दो कमरे का स्पेस निकाला तो 2/4 लिखा, क्यों, क्योंकि टोटल कमरे चार थे, चार लिखा, और हमें दो कमरे का स्पेस निकालना है इसलिए 2/4 लिखा। लेकिन ये कट जाता है तो क्या हो जाता है, 1/2। यानी कि अगर चार कमरा जो है ये आपका मानते हैं कि 16 फीट में बना हुआ है, तो दो कमरा कितने में बनेगा, 1/2 मतलब 8 फीट में। तो ये फ्रैक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे काफ़ी कुछ। अभी जो नहीं समझे उसको मैं आपको अभी बता दूंगा, और आगे भी बस देखते रहिएगा, पूरा समझ में आएगा गारंटी के साथ, जाइएगा मत। अभी देखिए आपको और भी क्लियर कर देते हैं। जैसे 60 रुपया कहा जाए ना, तो 60 रुपये, अब आपके पास 60 रुपया है, कोई कहे कि आप 60 रुपया का 1/4 भाग बताइए कितना होगा, तो 60 रुपये का 1/4 भाग कितना होगा, जरा इधर देखिए, 60 रुपये का 1/4 मतलब इसको 1/4 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, 4 से कट जाएगा, आएगा 15। मतलब कि 60 रुपये का जो है वो 1/4 भाग कितना है, 15 रुपया है। समझ गए ना, मतलब अब आप समझ गए होंगे कि भाग क्या होता है आखिर, ये फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, यानी कि 60 रुपया है उसका 1/4 भाग बोलेंगे तो 15 रुपया होगा। 1/4 क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। कहने का मतलब ये है कि जो 60 है उसी का एक भाग क्या है, 15 भी है। 60 का ही तो एक भाग 15 है ना, तो इसी को तो कहा गया है फ्रैक्शन या नंबर भिन्न, जो है एक प्रकार की ऐसी संख्या है जो किसी ग्रुप के एक भाग को प्रदर्शित करती है। अब ज़्यादा जानकारी के लिए आप आगे देखिएगा तो आपको पक्का समझ में आएगा। आपने बहुत प्रकार के फ्रैक्शन देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फ्रैक्शन किस प्रकार की हैं। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, भिन्न। जैसे 1/2, 7/2, 9/4, 21/45, 48/24 वगैरह वगैरह, ये बहुत कई प्रकार की फ्रैक्शन होती हैं। टोटल 9 टाइप की फ्रैक्शन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसमें कुछ टाइप का ही दिखाएंगे। ये डेमो क्लास है, जब आप क्लास करेंगे रेगुलर तो आपको 9 टाइप का हम फ्रैक्शन दिखाएंगे। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन पहला होता है, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा आपके सामने आ चुका है कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन। तो मतलब समझिएगा, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, सब कुछ पूरा देखिएगा, सब समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसे अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका ऊपर का जो नंबर है वो क्या है, छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, मतलब ये 7 है और ये 8 है, ठीक ना, ये 9 है और ये क्या है, 11 है। यानी कि अंश, जिसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इज क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर, यानी अंश छोटा है हर बड़ा है, तो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये कहीं भी आप इसको देख लीजिए, ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन आपको इसमें लग रहा है तो निसंकोच आप बोलिए और पूछते रहिए। इसी का जस्ट अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे इसका हिंदी में। देखिए, इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा। अगर किसी नंबर का जो नीचे का नंबर है वो छोटा है, ऊपर का बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है।
मतलब समझिएगा, यानी कि ऊपर का जो नंबर है ये क्या होगा, छोटा होगा नीचे वाले नंबर से, सॉरी बड़ा होगा इसमें। ये देखो इधर, बात समझ में आई ना। ये होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको हिंदी में भी बता देंगे, लेकिन मतलब समझिएगा पहले। आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मित्रों, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो जस्ट इसी का ही पार्ट होता है। मतलब आप समझना, जैसे इसको अगर आप भाग करोगे तो क्या आएगा, ये इधर थोड़ा सा समझना। जब आप आठ में सात का भाग करोगे, सात एकम सात, एक आया ना, तो क्या लिखते हैं, एक सही एक बटा सात ना, क्या लिखते हैं, एक सही एक बटा सात। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर हमने लिखा दो सही एक बटा तीन, इसका मतलब क्या हुआ, दो तिहाई छः एक सात, सात बटा तीन, क्या हुआ, सात बटा तीन। तो सात बटा तीन क्या है, सात बटा तीन जो है इम्प्रॉपर में है, और जब आप इसे भाग करोगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। मतलब समझ गए ना, यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर वाले से ही बनता है। उसके नीचे आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसको भी हम आपको यहाँ पर कंफर्म कर दे रहे हैं, बस पूरा देखना। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी के लिए है, याद रखना, किसी विशेष के लिए नहीं है। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हमने लिखा 21/10, यहाँ पर हमने लिखा ये 100, यहाँ पर हमने लिखा 10, यहाँ पर हमने लिखा 9। अब आप यहाँ पर बहुत कुछ समझ गए होंगे। डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसका हर, यानी कि न्यूमरेटर का जो अपोजिट होता है डिनोमिनेटर, ऑल टाइम 10 या 10 की घात के रूप में होता है। जैसे इसे आप लिख सकते हो 10^2, 10^1, 10^3, मतलब बाकी और कुछ नहीं होगा नीचे, वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है, दशमलव भिन्न कहलाती है। यानी कि अगर इसको आप ऐसे लिख दो 21/7 या 5, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर डेसिमल फ्रैक्शन तभी होगा जब नीचे एक के बाद केवल जीरो आए, बाकी और कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये आपने समझ लिया ना। पांचवा है वल्गर फ्रैक्शन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। और आपको 9 प्रकार की टोटल भिन्न पूरा करना है, 4 प्रकार की और भी हैं अभी। देखिए मित्रों, इसके बाद इसको हम आपको हिंदी भी बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों को हिंदी भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग पूछेंगे भी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न अब आपने देख लिया होगा, हमने आपको बता दिया था कैसे मतलब पहचानते हैं। इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न, और एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं दशमलव भिन्न, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे एक है आपका वल्गर फ्रैक्शन, इसके बारे में हिंदी तो हम आपको बहुत अच्छे से नहीं बता सकते फिलहाल, इसका हिंदी नहीं मालूम है, असभ्य भिन्न बोलें या क्या बोलें, लेकिन हम आपको इसका मतलब बता दे रहे हैं। ये जो फ्रैक्शन होती है अगला टाइप का वल्गर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा कि 2/10 लिखा है या 17/100 लिखा है, तो ये दशमलव भिन्न है, ठीक, क्योंकि इसकी जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है वो 10 या 10 की पावर के रूप में है। लेकिन अगर इसके अलावा और कुछ आता है हर के रूप में, जैसे 2/10 ना होकर 2/7 है, और ये 17/100 ना होकर के 17/99 है या 101 है, तो इस तरह की फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब सीधा फीधा ये है कि उनकी घातें जो हैं 10 या 10 के रूप में नहीं होती हैं, उन्हें वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं, और जिनकी घातें 10 या 10 के रूप में होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये आपने 5 प्रकार समझ लिया, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां भी हम आपको दिखाएंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा, जाइएगा मत कहीं। इसकी हिंदी तो हम आपको बहुत अच्छे से नहीं बता सकते हैं फिलहाल, लेकिन आपने मतलब समझ लिया होगा। वल्गर फ्रैक्शन मतलब होता है आम भिन्न या साधारण भिन्न, एक प्रकार से समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा, आप आम भिन्न या साधारण भिन्न इसे बोल सकते हैं, ठीक ना। मतलब कुछ भी हो, अगर किसी भी प्रकार का भिन्न दी गई है तो वो क्या होती है, साधारण भिन्न होती है, या फिर इसे आप अशिष्ट या आम या सामान्य भिन्न, कुल मिलाकर के हमारे समझ से एक ही चीज़ होगा, क्या होगा, वही जो भी आपको बताया, यानी कि इसको आप साधारण भिन्न समझ सकते हैं। अब आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि सिंपल फ्रैक्शन, उसके बारे में बता रहे थे ना, तो सिंपल फ्रैक्शन और इस वल्गर फ्रैक्शन में जो डिफरेंस है उसको आप समझ जाएंगे तो आप जान जाएंगे। कहने का मतलब ये है, फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज होल नंबर अदर देन एनी पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। तो मतलब इसका ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा यानी कि जो हर होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बाकी अंश के बारे में इसमें नहीं कहा गया, अंश चाहे कुछ भी हो वो क्या होगी, वल्गर फ्रैक्शन होगी। लेकिन जो साधारण भिन्न होगी सिंपल फ्रैक्शन, उसमें कह रहा फ्रैक्शन हैविंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि इसका अंश और हर दोनों एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए,
तब ये साधारण भिन्न होगी। अभी इसको जोड़ना घटाना करवाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी बची हुई जो तीन प्रकार के भिन्न हैं उनको हम आपको दिखा देते हैं, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, ठीक ना। ये भिन्नों के प्रकार हैं, आप उदाहरण तो देख के समझेंगे ना मित्रों। इसमें जो सातवां टाइप होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में देख लीजिएगा। वो फ्रैक्शन जिसमें या तो अंश या हर या फिर दोनों फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर के रूप में हो वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाती है। मतलब कि अंश या हर या फिर अंश और हर दोनों अगर भिन्न के रूप में दिए गए हैं या फिर वो आपको किसके रूप में दिए गए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिए गए हैं, तो वो आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 2/5/6/7 आपने देखा होगा कैलकुलेशन में अक्सर ऐसी स्थिति आ जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स भिन्न है आपकी, समझ गए ना। तो ये एग्जांपल आपने देख लिया, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, तो हम आगे चलते हैं। इस तरह का भिन्न आपने देख लिया होगा मित्रों। इसके बाद हम आपको बता दें कि अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, सभी प्रकार के भिन्नों को समझना चाहते हैं, जोड़ घटाना सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मात्र क्लास को ज्वाइन करना होगा बस, और उसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे, उस पर कॉन्टैक्ट करें, जिससे कि आप ये सभी भिन्नों के बारे में भी पढ़ सकें। समतुल्य भिन्न, समान व असमान भिन्न क्या होती हैं इसको भी हम आपको बताएंगे, अगर आपने क्लास को ज्वाइन किया है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लें, और अगर आपने ज्वाइन किया है तो ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा ज्वाइन करने पर आपको बस यही दो मिलेगा, असीमित मिलेगा आपको, असंख्य मिलेगा। 100% गारंटी के साथ आपको बेसिक मैथ की 250 से प्लस क्लास मिलेंगी। 250 से लेकर 350-400 तक की आपको क्लासें मिल सकती हैं, इसी तरह की छोटी छोटी क्लासें, यानी कि आपका बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा, फिर आप कोई भी एग्जाम मैथ की वजह से नहीं डरेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। ये आपका नंबर है, फ़ोनपे का भी नंबर है, व्हाट्सएप का भी नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, फ़ोन कर दीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये डेमो क्लास थी, तो आप अवश्य ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 549 का पेमेंट करना होगा, सिर्फ एक बार करना होगा, कोई मंथली रेंट नहीं, कोई मंथली चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक बार, जिससे कि आपकी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके और आपका कैमरा वगैरह आ जाए, अच्छी क्वालिटी मिले आपको, सब कुछ बढ़िया मिले, इसलिए आपको थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बस अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको ये जल्दी ही भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, नहीं किया है तो आप कर लें, शुक्रिया। नहीं करेंगे तब भी आपको कुछ क्लास मिलती रहेगी, PBR स्टडी से जुड़े रहें, अगर करेंगे तो संपूर्ण क्लास मिलेगी। धन्यवाद।